उत्तराखंड में चुनावी हवा का चलना अब शुरू हो गया है। साल 2021 के शुरू होते से ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां और तेज हो गई हैं। इसी दौरान हल्द्वानी लाइव भी अपने दर्शकों के लिए खास शो वोटिंग उत्तराखंड में दिलचस्प किस्से, आंकड़े और हर विधानसभा सीटों के पुराने गणित लेकर आ रहा है। हाल ही में हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आपके बीच उत्तराखंड के चुनावी ग्राउंड के टॉप 10 महारथियों के नाम लेकर आए थे। इसी कड़ी में आज भी हम आपके बीच उत्तराखंड के राजनीति के 10 ऐसे नाम लेकर आए हैं जिन्हें चुनावों में जनता ने खासा प्यार दिया है। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आज तक चुनाव नहीं हारे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो 4 में से 3 विधानसभा चुनावों में विजयी रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ रोचक आंकड़ों पर। पिथौरागढ़ जिले की डीडी हाट विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल का दबदबा जाना माना है। उत्तराखंड की राजनीति में चुफाल का नाम काफी अच्छे स्वरों में लिया जाता रहा है। साल 2002 के विधानसभा चुनावों से ही बिशन सिंह चुफाल भाजपा की ओर से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल ने एक भी बार अपने पार्टी को निराश नहीं किया। वह अभी तक 4 विधानसभा चुनावों में इसी सीट से जीत हासिल करते आए हैं। गौरतलब है कि चुफाल यहाँ की जनता के दिलों में बसते हैं। प्रदेश कांग्रेस के पुराने नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में हर बार जीत प्राप्त की है। गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर सीट से ही हर बार जीत हासिल कर विधानसभा सदन में पहुंचे हैं। लाजमी है कि प्रदेश में सत्ता हासिल करने को लेकर जो बराबरी की टक्कर कांग्रेस भाजपा में देखी जाती है, वो टक्कर इस सीट पर तो नहीं देखी गई, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज तक भाजपा को इस सीट पर उन्हें पछाड़ने का मौका नहीं दिया। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हल्द्वानी की विधायक डॉक्टर इंदिरा हृदेश का कद भी प्रदेश में किसी से कम नहीं रहा है। हल्द्वानी की सीट से साल 2002 के सबसे पहले चुनावों में ही जीत हासिल करने वाली इंदिरा हृदेश को 2007 विधानसभा चुनावों में हार का सामना जरूर करना पड़ा, मगर साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर इंदिरा हृदेश ने खुद को साबित कर दिखाया। हल्द्वानी के लोगों की हमेशा से पहली पसंद रही इंदिरा हृदेश का नाम कई बार मुख्यमंत्री के लिए भी उठाया गया। मौजूदा समय में वे उत्तराखंड कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ मानी जाती हैं। डॉक्टर इंदिरा हृदेश को उन्हीं की सीट से साल 2007 के चुनावों में हराने वाले भाजपा के बंशीधर भगत का नाम भी सूची में शुमार है। चुनावी मैनेजमेंट के माहिर माने जाने वाले उत्तराखंड भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी 3 बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं। पहली बार हल्द्वानी से साल 2007 में जीतने के बाद कालाडूंगी सीट से साल 2012 और साल 2017 में चुनाव जीतकर बंशीधर भगत ने हैट्रिक जमाई है। स्वर्गीय प्रकाश पंत का नाम भी उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में हमेशा रहेगा। साल 2002 से साल 2007 तक पिथौरागढ़ विधानसभा सीट जीतकर विधायक रहे भाजपा के प्रकाश पंत प्रदेश की असेंबली के पहले स्पीकर रहे। बहरहाल उन्हें साल 2007 में हार का मुंह जरूर देखना पड़ा, मगर अगले ही चुनावों में उन्होंने फिर एक बार पिथौरागढ़ सीट जीतकर वापसी की। इसके बाद उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के चुनावों में भी इसी सीट से जीत हासिल की। साल 2019 में प्रकाश पंत का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत यहां से विधायक बनी। उत्तर प्रदेश के देहरादून सीट से 2 बार लगातार चुनाव हारने वाले दिनेश अग्रवाल ने उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहले ही चुनावों में अपना परचम लहराया। कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल ने साल 2002 और साल 2007 में लक्ष्मण चौक से और साल 2012 में धर्मपुर की सीट से चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। हालांकि धर्मपुर के पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल को साल 2017 में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के गणेश जोशी 3 बार उत्तराखंड विधानसभा सदन का हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में भी वे प्रदेश की मसूरी सीट से चुनाव जीतकर सदन में मौजूद हैं।
साल 2007 में राजपुर सीट से चुनाव लड़ने और उसे जीतने वाले विधायक गणेश जोशी ने मसूरी की जनता का समर्थन भी अपनी ओर खींचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मसूरी की सीट से ही विजय प्राप्त हुई है। साल 2012 में पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा सीट से विधायक रहीं विजया बर्थवाल भी उत्तराखंड की राजनीति में काफी सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली डिप्टी स्पीकर रहीं भाजपा की विजया बर्थवाल ने साल 2002, साल 2007 और साल 2012 में लगातार 3 बार यमकेश्वर की जनता का दिल जीत कर सीट से चुनाव भी जीता था। इस सूची में उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में 3 बार विधायक चुने गए हरिदास का नाम भी शामिल है। हरिदास ने साल 2002 में हुए सबसे पहले चुनावों में ही प्रदेश की लंधौरा विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। इसके बाद साल 2007 में भी वे इसी सीट से चुनाव जीते। इसके बाद साल 2012 में हरिदास ने झबरेड़ा सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर यह साबित किया कि उन्हें जनता का खूब समर्थन है। बहरहाल यह तीनों ही चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की ओर से लड़े थे। हरिदास ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जसपुर के पहले विधायक थे। बता दें कि उन्होंने साल 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2007 और साल 2012 के विधानसभा चुनावों में डॉक्टर सिंघल को कांग्रेस ने टिकट दिया और उन्होंने पार्टी को निराश किए बिना लगातार दोनों ही चुनावों में शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही यह निजी रूप से उनके लिए चुनाव जीतने की हैट्रिक थी। बाद में शैलेंद्र मोहन सिंघल भाजपा में आ गए थे।